लो भाई ये है अपना बोलते तो यार इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे ले लिया अपने को वड़ा पाव। तो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं भाई गुजराती स्टाइल में, और ये चौक देखो चारों तरफ मस्त एरिया बिल्कुल जबरदस्त। और ये ना ये देखो ये दिखाता हूँ, ये स्कूटी के ऊपर देखो ये क्या बार सा बांध रखा है, ये देखो ये हिल रहा, ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, किसी से पूछना पड़ेगा। ये चाय देखो भाई बंदे की गुजराती स्टाइल है चाय का। ये जो तार है ना भाई, ये बताया एक बंदे से पूछा तो ये बता रहे हैं कि भाई 14 और 15 तारीख को ना बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है यहाँ पर, काइट जो बोलते हैं पतंग, तो वो उड़ती है ना, तो उसका जो धागा वगैरह होता है ना तो वो सड़कों पे आ जाता है, और वो मतलब उससे गर्दन कटने का डर रहता है, तो करके ये लगाया जाता है भाई। ये देखो ये देखूँगा कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो सिटी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सिटी है भाई, मस्त लगी अपने को। ये मेट्रो स्टेशन है, ये गुरुकुल मेट्रो स्टेशन है, और उस तरफ है दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन। तो और भी देखते हैं आज अहमदाबाद को एक्सप्लोर करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। तो भाई गाड़ी की ना सर्विस करवा के लेके आते हैं, क्योंकि नई गाड़ी ली है, तो ये ना अपना 1,000-1,200 किलोमीटर के ऊपर जो फर्स्ट सर्विस होती है ना वो रूटीन चेकअप होता है, तो उसी को कराने के लिए भाई हुंडई के सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आज को ना आज आप लोगों को रात की नाइट लाइफ, नाइट रोड और जो भी होता है ना यहाँ का वो सब दिखाते हैं भाई। भाई बड़ी ज़बरदस्त सिटी है, बड़ी ज़बरदस्त सिटी है भाई, मस्त। और ये सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ये है अपना गुजरात का मेट्रो स्टेशन, जैसे दिल्ली मेट्रो है ना वैसे ही गुजरात मेट्रो है। तो सिटी मेरे को मस्त लगी भाई, अभी देखते हैं कितने दिन यहाँ पर स्टे होता है, और तो चलते हैं हुंडई के शोरूम पर। जो मैं तार की बात कर रहा हूँ ना भाई, ये है वो तार है, देखो दो स्कूटी के ऊपर भी लगा हुआ है, इन दोनों की उस पर लगा हुआ है तार, तो ये इस चीज़ के लिए बताया था मैंने आपको, यहाँ पे ना पतंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है भाई बंदों में, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना भाई ज़रूरी है कि गर्दन वर्दन पे लग गया यार अपना, ये जो इसका जो डोरी होती है जिसको मांझा बोलते हैं वो लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या होनी भाई, गर्दन ही कट जाएगी, तो करके यहाँ पर ये लोग अपना स्कूटी के ऊपर बाइक के ऊपर इस तरीके से लगा के चलते हैं। और रेड लाइट है, अभी फ़िलहाल जा रहे हैं भाई गुजरात दिखाते हैं भाई, बिल्कुल एक्सप्लोर तगड़े तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आप लोगों को। बिल्डिंगें देखो भाई, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, और ये ना एक डेवलपमेंट सिटी है। बाकी हालांकि गुजरात में सबसे ज़्यादा व्यापार है, बिजनेस है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा भाई मेरे को काफ़ी सुंदर लगा। गुजरात में आया हूँ पहले, लेकिन एक नाइट में हमने क्रॉस कर दिया, जब पुणे ट्रिप था ना तब आए थे, तो एक ही नाइट में मतलब क्रॉस कर दिया था हमने, मुंबई से अपना माउंट आबू गए थे भाई। मन लगने वाली सिटी है भाई, रियलिटी बात है। ये देखो यार मस्त मस्त मॉल है, मस्त अपार्टमेंट है, मस्त मस्त चीज़ें हैं भाई, सारी चीज़ें मस्त है। और ना यहाँ पर जो गाड़ियों का कलेक्शन है भाई, मतलब ब्रांडेड गाड़ी है सारी इधर, लेकिन अपनी वैन्यू कम नहीं है भाई किसी से। और आज सिटी दिखानी है भाई, डे भी और नाइट भी, नाइट का भी लोग कल डालेंगे, और आज का भी लोग जो आएगा वो डे का है, तो नाइट में अपना मॉल वगैरह करते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं भाई। गुड़गांव से भी मस्त सिटी लगी मेरे को, रियलिटी बात भाई, गुड़गांव भी घूमे हैं लेकिन गुड़गांव से मस्त सिटी लगी। लो भाई पहुंच गए हुंडई के सर्विस सेंटर पर,
और अभी करवा देते हैं भाई गाड़ी की सर्विस, उसके बाद फिर निकलते हैं। बाकी बिल्डिंग देखो यार, जबरदस्त बिल्डिंग है, मैं बताने लग रहा है। मस्त निकाल भाई निकाल, मेरे को भी अंदर करनी है, निकाल ले। सर्विस करवानी भैया जी, इधर लगा दे। कब तक मिलेगी, टाइम लगेगा? वो रिसेप्शन पे आपको बोल देंगे। चलो भाई यहाँ लगा देते हैं गाड़ी को। तो भाई सर्विस के लिए बंदा आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं थैंक यू। तो अभी बंदा आ रहा है सर्विस के लिए और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो सर्विस बुक वगैरह उन्होंने ली मैडम ने, तो ज़्यादा कुछ नहीं। सामान तो बस कपड़े वगैरह ही है। अरे और तो कोई कुछ खास नहीं हो सामान, ठीक है। ये डाटा केबल तो इसमें रख देता हूँ ना। अभी गाड़ी जा रही है अपनी सर्विस के लिए और ब्लैक गाड़ी ना यार गंदी बहुत ज़्यादा दिखती है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना भाई। जो ये धूल मिट्टी दिख रही है काली गाड़ी के ऊपर, वो तो सब गाड़ी में, सब गाड़ी में रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम। हाँ यही 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 सही बात है। चलो अभी ना वॉशिंग वॉशिंग होके कंप्लीट होके आ जाएगी, देखते कितना टाइम लगेगा। अप्रोक्स 3:30-4 बजे तक मिल जाएगा। तो मेरे को होता है उतना जल्दी बाद में आना पड़ेगा फिर इसका मतलब। तो भाई 3:30-4 बजे तक मिलेगी गाड़ी। चलो तब तक रूम पे जाके आते, देखते हैं बाकी टाइम क्या हो गया। तो भाई गाड़ी मिल, अभी टाइम हो गया 12 का और गाड़ी मिलेगी अपने को 3-4 बजे के आसपास। तो खाली बैठे वेट क्या करें, एक्सप्लोर करते हैं भाई गुजरात को, अहमदाबाद को। और ये देखो भाई सिटी, ज़बरदस्त सिटी है भाई, ज़बरदस्त। मैं चश्मे वश्मे लगा के आराम से आई। अभी गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पर। और क्या दिखाया आपको, अल्फा मॉल बताया भाई, जो गुजरात का बहुत बड़ा मॉल है अल्फा मॉल, तो उसी में जाके आ रहे हैं। तब तक टाइम पास भी करें ना, कहाँ करें, तो मॉल वगैरह घूम लेते हैं तब तक। हाँ सिटी देख ही रहे हो आप पीछे मेरी बिल्डिंग, ज़बरदस्त सिटी है यार, बड़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पर मीटर सिस्टम चलता है। तो अभी जा रहे हैं अल्फा मॉल के लिए और वहाँ जाके करते हैं एक्सप्लोर। और ये जगह कौन सी थी जहाँ से अभी मैं आया हूँ? पकवान, पकवान चौक, पकवान चौक, ठीक पकवान चौक से। लो भाई ये आ गए अल्फा मॉल और अहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है भाई। मैं बता रहा था ना पतंगवा क्रेज कितना है यहाँ पर। ये देखो भाई वो बंदे बता रहे थे ना पतंगों का बहुत ज़्यादा क्रेज है यहाँ पर। तो ये मतलब एक मॉल नहीं है, ये काफ़ी सारे मॉल है और अहमदाबाद में मॉल ही मॉल है भाई। रियलिटी बात तो ये अहमदाबाद में मॉल ही मॉल है, बस घूमना है यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है अपने को। देखो मॉल वगैरह काफ़ी घूमे हैं लेकिन इतना साफ और इतना क्लीन मॉल कहीं नहीं देखा भाई, और इतना बड़ा मॉल। अच्छा चरखा भी, चलो ये तो ऐसे ही चलती रहेंगी, देखते हैं क्या लेते हैं यहाँ से, कर पाते हैं कोई शॉपिंग या बजट से बाहर रहेगा। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, पहले तो घूमना ही है खाली। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेज है भाई पतंगों का, हर मॉल में पतंग वगैरह मिलेगी आपको। ये देखो इतने बड़े मॉल में आने के बाद तो फीलिंग अलग हो जाती है भाई, बिल्कुल फीलिंग अलग है। अहमदाबाद अहमदाबाद है भाई।
गए भाई अपना मॉल से बाहर, और अलग ही फीलिंग थी भाई अंदर मॉल की, तो मस्त मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया यार वाकई में, इतना बड़ा मॉल देख के इसका दिल खुश ना भाई। और ये देखो मॉल में हर चीज़ होती है यार, क्या नहीं होता, हर एक चीज़ होती है, हर एक चीज़। यार ये भाई झील की, झील का एंट्री गेट वस्तापुर, ये पढ़ी लिया मैंने, वस्तापुर झील, वस्तापुर के नाम से है झील का नाम। और ये क्या भाई, ये पार्क वार्क है, गर्मी बहुत ज़्यादा यार, अच्छे ज़्यादा गर्मी है आज कल। अहमदाबाद को एक्सप्लोर करते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं गुजरात में और कहाँ क्या क्या चीज़ें देखने की है। हाँ यहाँ पे ना एक कांच का ब्रिज भी है, झील तो भाई पानी कहाँ गया, किमच हो गया पानी का। तो ये देखो भाई झील का पानी, झील में पानी नहीं है, चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अरे झील से अच्छी फीलिंग तो अपना मॉल के अंदर ही ना थी, पहले देख जाता तो मॉल में ही घूम लेता कुछ देर और, लेकिन पहले अपना मॉल देख लिया उसके बाद सोचा चल झील पे चलते हैं, झील पे होगा कुछ, लेकिन झील पे नहीं कुछ भी मिला अपने को, झील पे कुछ नहीं मिला। और ये है भाई एडवेंचर जोन बच्चों के खेलने कूदने का, देखते हैं और कहाँ चलते हैं, अभी गर्मी काफ़ी है, टी शर्ट में घूम रहे हैं भाई जनवरी के महीने में। लो भाई इसका ना सबूत भी मिल गया अपने को, ये देखो भाई जो ये पतंग का जो धागा होता है ये देखो, और इस तरीके से आप पता लग गया है बंदे ठीक ही अपना वो करते हैं भाई, वो बहुत ज़रूरी है। ये देखो भाई रोड पे कैसे फैला हुआ है मांझा जिसको बोलते हैं, तो मैं तो वैसे ही रैंडमली चल रहा था, तो ये बिल्कुल सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही है बिल्कुल भाई।